नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उप मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा गरीबों के कल्याण के लिए संकल्पित। बिहार के इन तीन मिठाइयों को मिलेगा GI टैग। बिहार के इतिहास की खोज में 20 जून के बाद जुटेंगे IIT कानपुर। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, हम बिहारियों को सौंप दे कश्मीर। देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामले, अब चले बढ़ते हैं बिहार के शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उप मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा गरीबों के कल्याण के लिए संकल्पित। केंद्र सरकार में भाजपा के 8 साल पूरे होने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बीते दिन कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, जो उपलब्धियों और सफलताओं से परिपूर्ण रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 14 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाने के क्रम में बीते दिन पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में बिहार के उपमुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जन विश्वास को आधार बनाकर विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। इन 8 सफल वर्षों में भारत पूरे विश्व में एक स्वाभिमानी और मजबूत नेतृत्व वाले देश के रूप में पहचाना जा रहा है। पर्यटन सुविधाओं के विकास पर 50 लाख का अनुदान देगी बिहार सरकार। बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं को भी बढ़ाया है, जिसकी वजह से विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। 2015 में देशी विदेशी मिलाकर 12 लाख पर्यटक यहीं थे। वहीं 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 3.40 करोड़ से ज्यादा रह गई है। इसको देखते हुए पर्यटक स्थलों पर सुविधाएं विकसित करने का फैसला हुआ है। ये सुविधा 4 मॉडल, प्रीमियम, स्टैंडर्ड, बेसिक और मार्गीय सुविधाओं के तहत विकसित होगी। इन मॉडलों को कुल लागत का 50% या 50 लाख, 35 लाख, 20 लाख और 10 लाख अधिकतम में से जो कम हो अनुदान दिया जाएगा। प्रोत्साहन योजना के प्रभावी होने से करीब 4000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। बिहार के इन तीन मिठाइयों को मिलेगा GI टैग। बिहार के कई मिठाइयां हैं जो अपने स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में प्रसिद्ध है, लेकिन हर जगह उपलब्ध नहीं है। इसमें शामिल है भोजपुर के उद्वंत नगर के खुरमा, गया के तिलकुट और सीतामढ़ी जिले के स्वादिष्ट बालूशाही। हालांकि अब इससे दुनिया भर में पहचान मिलने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड NABARD ने बिहार के उन उत्पादों के लिए GI टैग की मांग करने वाले निर्माताओं का या उत्पादक संघों की सुविधा के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। NABARD बिहार के मुख्य महाप्रबंधक सुनील कुमार ने कहा कि इन मिठाइयों के लिए GI टैग की मांग करने वाले लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। बिहार के इतिहास की खोज में 20 जून के बाद जुटेंगे IIT कानपुर। बिहार अपने आप में इतिहास के कई किस्से को समेट कर रखे हुए हैं। इसमें भी खासकर पटना से जुड़े कई इतिहास के बारे में हम लोगों ने जाना है। अब इसके विस्तार के लिए बिहार सरकार ने पटना सिटी में 10 से अधिक जगहों पर खुदाई करवाने का फैसला लिया है। IIT कानपुर की टीम पटना पहुंचने वाली है, जो कि 20 जून के बाद किसी भी दिन सर्वे का काम शुरू करेगी। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही खुदाई की जाएगी। इसकी खोज कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का पुरातत्विक निदेशालय IIT कानपुर की मदद से कर रहा है। इसकी शुरुआत बांका के भदरिया गांव में हुई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी के पुराने इलाकों का भ्रमण किया था और पुरातत्विक जानकारी के लिए खुदाई का निर्देश दिया था। फिलहाल 8 जगहों का सर्वे शुरू होगा। बिहार में 20 साल बाद इन पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार को 20 साल बाद 55 नए ड्रग इंस्पेक्टर मिलने जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में ड्रग इंस्पेक्टर के 163 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से कुल 106 ड्रग इंस्पेक्टर कार्यरत हैं और ऐसे में 55 पद अभी भी खाली हैं। हालांकि अब इन पदों पर जल्द ही नियुक्ति होने वाली है। दरअसल ड्रग इंस्पेक्टरों के खाली पदों पर बहाली का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग की तरफ से BPSC को भेज दिया गया है। साल 2008 में बिहार में ड्रग इंस्पेक्टरों की बहाली के लिए BPSC से विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए 2009 में बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ड्रग इंस्पेक्टरों ने 2011 में स्वास्थ्य विभाग में योगदान दिया था। आपको बता दें कि इन 20 सालों में दवाइयों के कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में देखा जाए तो बिहार में अभी 500 ड्रग इंस्पेक्टर की जरूरत है। बिहार के 11 जिलों को जोड़ेगी गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। बिहार में सड़क, हाईवे, पुल, ब्रिज को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को लेकर अब रास्ता काफी हद तक साफ हो गया है। 600 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का लगभग 2/3 रास्ता बिहार से होकर गुजरने वाला है। यही नहीं, ये रास्ता बिहार के 11 जिलों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। इसका निर्माण कार्य इसी साल शुरू होगा। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे को 9 जिलों से होकर गुजरने की केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, फारबिसगंज और किशनगंज शामिल है। वहीं अब कोशिश की जा रही है कि इस एक्सप्रेसवे से मधेपुरा और सहरसा को भी जोड़ा जाए। इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र से मांग की है। वेतन नहीं मिलने पर नवनियुक्त शिक्षकों ने किया विरोध। राज्य भर में 6ठे चरण में नियुक्त 43,000 शिक्षकों का वेतन अभी तक रुका हुआ है। इसको लेकर नवनियुक्त शिक्षकों ने विरोध किया। 43,000 शिक्षकों के वेतन संबंधित कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं होने से परेशान शिक्षकों ने ट्विटर पर अपना विरोध जताया, जो कि ट्रेंड में रहा है। #शिक्षकों को वेतन दो का उपयोग करके जमकर ट्वीट किए गए।
बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों ने इसको लेकर 2 जून से 2 जून की रोटी का कैंपेन चलाया है, जिसमें नवनियुक्त शिक्षकों को पिछले 3 महीने से वेतन संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं शुरू किए जाने का विरोध किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा गरीबों के कल्याण के लिए संकल्पित केंद्र सरकार में भाजपा के 8 साल पूरे होने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बीते दिन कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर जो उपलब्धियों और सफलताओं से परिपूर्ण रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 14 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाने के क्रम में बीते दिन पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जन विश्वास को आधार बनाकर विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। इन 8 सफल वर्षों में भारत पूरे विश्व में एक स्वाभिमानी और मजबूत नेतृत्व वाला देश के रूप में पहचाना जा रहा है। अग्नि सुरक्षा के लिए सरकार खरीदेगी हाइड्रोलिक लैडर। कुछ दिन पहले ही राजधानी पटना के विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग के बाद बिहार सरकार का आपदा विभाग अलर्ट मोड पर है। इसके लिए राज्य सरकार ने राज्य की बहुमंजिला इमारतों की अग्नि सुरक्षा के लिए पहले चरण के 6 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म सह टर्न टेबल एरियर लैडर की खरीद करेगी। इस पर कुल 44 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मालूम हो कि राजधानी पटना के विश्वेश्वरैया भवन में आग लगने के बाद काफी नुकसान हुआ था। 2-3 दिनों तक यहां पर विभागीय काम भी ठप हो गया था। जातिगत जनगणना को लेकर पप्पू यादव ने तेजस्वी पर कसा तंज। 1 जून को हुई सर्वदलीय बैठक में जातीय जनगणना पर सहमति बनी। इसके बाद 2 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लग गई। अब बस जातीय जनगणना की तारीख तय करनी है। इस बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने कहा कि मैं युवराज से पूछना चाहता हूं कि आपके पिता के लिए बेटा ही जाति है या उस जाति का वर्कर भी जाति है, आपको जाति की समझ है। पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा राजद के युवराज को मालूम है कि बिहार में कितनी जातियां है। विपक्ष के युवराज की नजर में केवल दबंग जाति ही जातियां हैं। उनके अनुसार राज्य में केवल 5-6 जातियां मौजूद हैं। ललन सिंह की बढ़ाई गई सुरक्षा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ललन सिंह की गाड़ी के आगे पीछे स्कॉट की गाड़ी नजर आ रही है। खबर यह भी है कि जदयू प्रदेश कार्यालय पर आने वाले दिनों में असामाजिक तत्व हंगामा या उपद्रव कर सकते हैं, इसकी पूरी प्लानिंग तैयार हो रही है। मालूम हो कि बिहार में राज्यसभा के 5 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जदयू की तरफ से राज्यसभा भेजे जाने के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसके बाद ही अब जदयू का एक गुट नाराज चल रहा है। खासकर आरसीपी सिंह के समर्थक गुस्से में हैं, जिसके बाद ही ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ललन सिंह को सुरक्षा की जरूरत है। जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर किया गया राजकीय समारोह का आयोजन। मुजफ्फरपुर से जदयू सांसद रह चुके भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर आज राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। मालूम हो कि साल 2020 में सिटी पार्क में स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी भाग लिया था। प्रत्येक वर्ष 3 जून को स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि 2021 में कोविड के कारण ऐसा नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन आलेख का अनावरण भी किया गया, साथ ही सिटी पार्क में स्थित स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। देशभर में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में स्थिरता बनी हुई है, लेकिन देशभर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में संक्रमण दर में कमी आई है। राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार 41 हो गई है। वहीं राज्य में 86,683 सैंपल की जांच हुई, जिसके बाद राज्य में 6 नए कोरोना के मामले मिले हैं, जिसमें राजधानी पटना, भागलपुर, मधेपुरा और रोहतास में 1-1 मामले की पुष्टि हुई। वहीं नवादा जिले में 2 मामले की पुष्टि हुई। वहीं देश भर की बात करें तो आज यानी शुक्रवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 4,041 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुल 10 लोगों की जान भी गई है। हार्दिक की गेंदबाजी को लेकर आई बड़ी प्रतिक्रिया। हार्दिक पांड्या के दोबारा गेंदबाजी करने को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उनकी गेंदबाजी को लेकर बयान दिया है। अजहरुद्दीन के मुताबिक हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करनी शुरू कर दी है, जो काफी अच्छी बात है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि वो कब तक ऐसा कर पाते हैं। अजहरुद्दीन ने ये आशंका हार्दिक पांड्या की इंजुरी को लेकर जाहिर की है। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि हार्दिक ने वापसी कर ली है और अपने 4 ओवर डाल रहे हैं। हालांकि वो कब तक गेंदबाजी करेंगे इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हम जरूर हैं कि वो गेंदबाजी करें, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उनके नाम है आयुष्मान, रंजीत मिश्रा, आयुष राज, शंकर मुखिया, नन्नो कुमार, रंजन कुमार, मनीष श्रीवास्तव, जितेंद्र भगत, कुमार कौशल सिंह, मोहम्मद अब्दुल सलाम। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके क्षेत्र की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ
साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।